लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। चंडीगढ़ कोरोना वायरस ने पंजाब में दस्तक दे दी है। इटली से लौटे होशियारपुर के 3 संदिग्ध मरीजों में से 2 की प्राथमिक टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अमृतसर स्थित GMCH में दाखिल किया गया है। राज्य सरकार अब उनकी पुणे से आने वाली फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। बहरहाल पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कई तरह की सावधानियों का उल्लेख किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर पंजाब सरकार की हड़बड़ाहट भी झलकने लगी है। शुक्रवार शाम को राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने संबंधी कई तरह की सावधानियां बरतने की सूची भी जारी की गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि कोरोना वायरस को लेकर लिए जाने वाले फैसलों के लिए कौन कौन से स्तर के अधिकारी अधिकृत रहेंगे। लेकिन चंद ही घंटों बाद राज्य सरकार द्वारा बयान जारी करके कहा गया कि पंजाब ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित नहीं किया है। पहले जारी बयान में महामारी एक्ट के तहत सिर्फ सावधानी बरतने के लिए एडवाइजरी थी। इसे राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्राथमिक तौर पर किए जाने वाले कार्यों के तौर पर देखा जाना चाहिए। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लोगों को कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य सलाह में कहा गया है कि किसी के साथ हाथ न मिलाएं, किसी के गले लगकर न मिलें, खुले में न थूकें। जिस व्यक्ति को बुखार है उसको भीड़ में जाने से परहेज करना चाहिए और जिस व्यक्ति को खांसी या बुखार है उस व्यक्ति से लगभग 1 मीटर की दूरी रखी जाए। यदि किसी व्यक्ति को खांसी या बुखार है तो उसे अपना मुंह मास्क या रुमाल से ढककर रखना चाहिए तथा उसे लाजिमी तौर पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 14 दिनों के दौरान चीन नेपाल की यात्रा की हो तो उसे 14 दिनों के लिए घर में अलग रखा जाना चाहिए और किसी भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए।